लो जी नाजरीन तुहाडे सामने जम्मू की बड़ी जबरदस्त थां है ते गांव के अंदर हवा चल रही है। शहर के अंदर सारा दिन साडे कपड़े पसीने के नाल जुत्तियां साडियां वेखो किवें होईयां पईयां। मंडी तो होन आए हैं वेले होके फजी भाई ने कहा तुसीं आ जाओ तुहानूं जम्मू वगैरह खाने आ जम्मू शम्मू हुणे खावांगे ते इंशाल्लाह तुहानूं वो भी वीडियो सारी विखावांगे। आ फजी भाई पानी लैके आए ने, यकीन मन्नो पानी पीता है ते अल्लाह दी कसम इंज लग्या जिवें पता नहीं कोई ऐसी चीज़ लभ गई जिन्हें जान जान पा दित्ती होवे। फजी भाई ने कहा कि तुहानूं इन्हां दे नाल सोलर प्लेटां लगियां ते क्योंकि इस टाइम धुप्पन घट हो गई असर तो बाद दा टाइम है इन्हें क्या साडा ट्यूबवैल तो हूँ नहीं चल सकता तो तुहानूं असीं ना अपने नाल दी ढाड़ी दे ट्यूबवैल ते लैके जांदे आ ते उत्थे इंशाल्लाह हुण असीं जावांगे ट्यूबवैल दा वी तुहानूं सारा माहौल विखावांगे नहावांगे असीं ते अपनी गर्मी दूर करके फ्रैश होना है। हुण अग्गे तुहानूं ट्यूबवैल ते जा के ते आ तुहानूं सारे जम्मू दा विखाने आ इंशाल्लाह। कायम रहो बस। कैसे हैं तमाम लोग, आज हम आए हैं नाई वाला गाँव है जिला ननकाना साहब के अंदर अपने दोस्त फजी भाई के पास। इस वक्त फजी भाई दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं और हाथ में इन्होंने जम्मू पकड़े हुए हैं। सीजन कही है माशाल्लाह से पहले जम्मू में मार्केट के अंदर अभी तक कोई जम्मू नहीं आए प्यारे भाइयों। बाकी भाई हम आज बहुत ज्यादा सफर करके फजी भाई के पास हैं। इन्होंने कहा है मेरे दरख्त पे चंद एक जम्मू तैयार है। अहमद भाई देखें ख्याल करें इस तरह ना करें। देखें ये इस तरह हम सबसे पहले कपड़ा पकड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और कपड़े के अंदर ये ऊपर से फजी भाई माशाल्लाह से जम्मू फेंक रहे हैं। ये सारा फजी भाई देखें कितनी मुशक्कत के साथ ये एक टानी टूट गई यार। फजी भाई ख्याल करें यार, एक मिनट है आराम से इसको सही ना ले। इनको हम प्यार से कहते हैं फजी भाई। सीधा नाम मुर्तजा पुत्र है। मुर्तजा नाम है हमारे भाई का, अभी बता रहे हैं मुझे भाई जान। मुझे पता है आपका नाम मुर्तजा है लेकिन जो आपका ये प्यार से हमने नाम रखा है फजी भाई ये हमें देखें। नाजरीन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं खाओ यार, अभी हम जम्मू खाते हैं। खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ दो तीन दिन हुए हैं अभी मुर्तजा भाई ने बताया है कि जम्मू जो है पकते तैयार होने शुरू हो गए हैं। जम्मू भाईजान जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा महंगा होगा। पहली बात है कि वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है मुल्क के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये आपको ना ये तम्बाकू की फील्ड है, इसके अंदर आप देखेंगे तो पत्ते आपको ना डैमेज नज़र आ रहे होंगे सारे। वजह यह है नाज़रीन पिछले दिनों हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा ना आंधी हुई है, तूफान आया है, उसके साथ ना गड़े पड़े हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ के छोटे छोटे गड़े, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत तेज़ आंधी और तूफान की वजह से जहाँ पे ये दूसरी फसल को नुकसान हुआ है वहीं पर जम्मू का जो है ना पौधा ओवरऑल उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा डालियाँ जो हैं कच्ची वो नीचे गिर गई हैं। जाहिर बात है अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो अभी हम ये तो भाई मुझे तो चेक कराओ यार। भाई आप देखें ना अली भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें चेक प्यारे भाई। मुर्तजा भाई आप भी करो यार, बहुत अच्छा चेक है माशाल्लाह। हमने नया कर लिया अभी मार्केट में ये नहीं जम्मू आया जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया कर लिया इंशाल्लाह। बहुत अच्छा जाका अभी एक माह बाद मार्केट में आएगा, हमने पहले इंशाल्लाह ये खा लिया। अब फजी भाई साढ़े वास्ते पानी लेके आ रहे हैं क्योंकि गांव के अंदर तुहानू पता है कि इतने साइडा दे पैलियां वगैरह होंदियां दुकाना होंदियां नहीं, शहर वाला माहौल तो होंदा नहीं हैगा कि जिससे तुहानू हर चीज़ मिल जाए बोतल वगैरह। तो फजी भाई ने कहा कि पानी तुहानू पियाने उस तो बाद शाम को जिस टाइम मझा चोवांगे तुहानू इंशाल्लाह लस्सी वगैरह तो दुध वगैरह भी पिलावांगे। मैं कहा फजी भाई कोई गल नहीं हैगी, ताडा प्यार है साढ़े वास्ते, असी ताडे ताबेदार हाँ। लो जी बन गया सुकोना अली हसन भाई, ये फजी भाई की जी मुहब्बत वाला पानी है ये हैगा तो पानी है, पर मैं उम्मीद है कि तुम ए फजी भाई की मुहब्बत महसूस हो रही है। भाई जान सू बोतल लग रही है। आए हाय क्या ही बात। लो जी प्यारे भाइयो असी फजी भाई दे कोलो होके आए हैं इतने नहाने वास्ते ते खाडे दा ट्यूबवैल बंद है लेकिन पिछे जो तुहानू विखाने आ इधर आओ अली भाई नाज़रीन अपना मच्छी फार्म विखाइए जरा। प्यारे भाइयों जो भाइयों ने मच्छी फार्म वेखे ने उन्होंने तो पता है देखो माशाल्लाह किड्डा वड्डा माशाल्लाह मच्छी फार्म है। फिर एक और गल है
अक्सरियत मछली फार्म बंदे ने दरिया के किनारे या नहर नुहर के किनारे क्योंकि उन्होंने पानी राह ही जाता है तो वह पानी काबले इस्तेमाल होंगे। लेकिन ए वेखो इधर आओ अली भाई आखो माशाल्लाह किवें इतने बड़िया बड़िया प्लेटा लगे ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਖਾਧਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਪੱਥਰ ਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਇਹਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਰਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਮੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਰੇਹ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਹ ਵਾਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਲਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਇੱਥੇ ਪਲਦੀ ਹੈ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੇ ਬਹਿਰਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੋ।